महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक ली, सामने आगे पीछे मोटी मोटी मेटल शीट्स डाल दी, सारी जगह बुलेट प्रूफ कांच डाल दिया और माइन प्रूफ टायर्स डाल दिए और बना दी महिंद्रा मार्क्समैन हमारी मुंबई पुलिस के लिए। और ये सब महिंद्रा की एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग फैसिलिटी में होता है यूएई में, जिसमें स्पेसिफिकली नॉर्मल कार को लेते हैं बुलेट प्रूफ बनाते हैं। और इस कंपनी ने हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसी स्पेशल गाड़ी को बना दिया है जो कि हम्वी को भी बीट कर सकती है, जिसमें स्टार्टिंग में इस ब्रांड ने अपनी स्कॉर्पियो ली थी और उसमें थोड़ी बहुत अपग्रेड करके उसे बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो में कन्वर्ट कर दिया था नॉर्मल हमारे पॉलिटिशियंस के लिए और थोड़े बहुत और मिलिटेंट पर्पस के लिए। फिर इस ब्रांड ने यूएई में अपनी फैसिलिटी को सेटअप करा और सबसे पहले एक लैंड क्रूजर 200 सीरीज को लिया, सारे अपग्रेड करके एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर 200 बना दिया यूएई या फिर मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि वहां पे इस गाड़ी की काफी डिमांड है और बुलेट प्रूफ कार्स की भी काफी डिमांड है। ऑब्वियसली भाई लग्जरी चाहिए लोगों को, तो इस ब्रांड ने लेक्सस LX570 को लेके उसमें अपग्रेड्स करके बुलेट प्रूफ बना दिया। पर लोगों को रिलायबिलिटी भी चाहिए थी तो ब्रांड ने लैंड क्रूजर 70 सीरीज को लेके और अपग्रेड्स करके एक आर्मर्ड लैंड क्रूजर 70 सीरीज को बना दिया, थोड़े बहुत ऐसे आतंकवादियों के लिए आप कह सकते हैं। और रिसेंटली इस ब्रांड ने लैंड क्रूजर 300 वाली सीरीज पे काम करना शुरू करा है, काफी तगड़ी इस ब्रांड की डिमांड आ रही है रिसेंटली यूएई और मिडिल ईस्ट वाली मार्केट में। और ये ब्रांड में दोस्तों अगर आप देखें तो काफी स्मार्ट है, क्योंकि इस ब्रांड ने अपने हेडक्वार्टर्स को मिडिल ईस्ट में या फिर यूएई में सेटअप करा और आपको भाई इंडियन ब्रांड है तो वहां पे अपनी बेस कैंप या फिर हेडक्वार्टर्स को क्यों सेटअप करा, इसलिए सेटअप करा क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी सारी अटैक ओरिएंटेड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन, सीरिया, पाकिस्तान वगैरह, जहां पे काफी ज्यादा ऐसे मिलिटेंट अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसी कंट्रीज में बुलेट प्रूफ कार्स की काफी डिमांड आती है। तो इसलिए इस ब्रांड ने अपने बिग ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया और वहीं पे अपने हेडक्वार्टर्स खोल लिए जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है और डिमांड सब्सक्राइब की है, कर लो सब्सक्राइब। और ये तो दोस्तों वही बात हो गई कि एक यूट्यूबर या फिर एक व्लॉगर के घर के नीचे एक यूज का डीलरशिप खोल लेना, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के घर के नीचे एक बेटिंग ब्रांड खोल लेना, मैं भाई कैंसिल होने वाला थोड़े दिनों में, सब्सक्राइब कर लो। पर फिर दोस्तों इसी के बीच में हमारी इंडियन आर्मी की एक काफी बड़ी नीड उत्पन्न हुई, जिसमें अगर आप देखें तो जो अमेरिकन आर्मी है उसके पास हम भी है अपनी आइकॉनिक व्हीकल जो कि वो काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अनपैरेलल्ड व्हीकल है। कोरिया के पास अपनी किया LTV है जो कि एक तरह से हम्वी का ही एक नॉकऑफ वर्जन है पर काफी बढ़िया काम करता है। और रिसेंटली अमेरिकन आर्मी ने अपनी हम्वी को भी रिप्लेस करके एक ओशकोश नाम के व्हीकल को ले लिया है जो कि उससे भी ज्यादा केपेबल है। पर वही अगर आप देखें हमारी इंडियन आर्मी के पास ऐसा एक लाइट आर्मर्ड स्पेशलिस्ट व्हीकल आप सोचो कौन सा होगा, आपको लगा होगा भाई कोई ऐसे 2000 होगा थोड़ा सा, हमारे पास था भाई महिंद्रा MM550 CD जो कि विली जीप का एक थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये सारी जो कंट्रीज है जो कि हमसे भी छोटी है उनके पास इतने ज्यादा एडवांस व्हीकल है अपनी मिलिटेंट फोर्सेस के लिए, हमारे पास भाई इतनी पुरानी सी छोटी सी जीप है जो कि ना तो इतनी बढ़िया केपेबल है, ना तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और ना तो इतनी अच्छी दिखती है। तो इसलिए हमारे इंडिया की भारत फोर्स और साउथ अफ्रीका की पैरामाउंट कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर करा और उनके M-BOMB-4 के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स को इंडिया लाके इंडिया में लोकली बनाया गया, कल्याणी M4 के नाम से लॉन्च करा गया और इंडिया में काफी तगड़ा ये गाड़ी काम कर रही है, 16,000 किलो की ये गाड़ी है। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि ये गाड़ी भी इंडियन नहीं है, पूरा इंडिया के हिसाब से स्पेसिफिकली बनाई नहीं गई और हमारी इंडियन आर्मी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि लोकली इंडिया में डिजाइन हो गए, इंडिया में ही बनी हो और हमें किसी और ऐसे दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना करना पड़े अपनी ऐसे मिलिटेंट व्हीकल के लिए। कितनी शर्म की बात है भाई, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, खुद की गाड़ी है नहीं। तो महिंद्रा की जो ये एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग फैसिलिटी है इन्होंने इस वाले टास्क को लिया और अनवील करी महिंद्रा आर्माडो जो कि इंडिया की खुद की लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, काफी तगड़ी गाड़ी है क्योंकि इस गाड़ी को बेस से टॉप तक एक इंडिपेंडेंट व्हीकल के तौर पे बनाया गया है और स्पेसिफिकली इंडियन मिलिट्री के लिए ही बनाया गया है। ये गाड़ी किसी भी और गाड़ी के ऊपर बेस नहीं है या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियो को अपग्रेड करके मैक्समैन बना दिया या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल गाड़ी को लेके थोड़ा और बढ़िया बना दिया, ये गाड़ी बेस से टॉप तक मिलिट्री के ही पर्पस के लिए बनी है, जिसमें आपको सामने से बहुत ही ऐसे मोटा सा बोनट मिलता है, काफी ज्यादा ऊंची है गाड़ी, आपको बहुत ही मोटे मोटे टायर्स मिलते हैं, पीछे आपको थोड़ा डेक मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं और इंटीरियर में सब कुछ आपको हाई क्वालिटी मिलता है एकदम इंडस्ट्रियल मिलिट्री यूज के लिए। कंपनी गाड़ी में स्टैनक लेवल 2 या फिर B7+ प्रोटेक्शन ऑफर करती है जो कि सेम लेवल की प्रोटेक्शन है जितनी हमारी मोदी जी की S680 गार्ड में आती है। तो जितने सेव हमारे मोदी जी है उतनी सेव हमारी इंडिया के मिलिट्री फोर्सेस है, अरे वाह वेरी नाइस। साथ ही में आपको इंटीरियर में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है जिससे अगर बाहर कोई भी ऐसे गैस बॉम्ब को थ्रो कर देती है ऑपोजिशन वाली फोर्सेस तो हमारे जो इंडिया के जवान इस गाड़ी के अंदर बैठे होंगे उनको कोई भी ऐसे उसका असर नहीं आने वाला और बढ़िया वो आसानी से उनके ऊपर से ऐसे गाड़ी कूदा के भाग सकते हैं आगे बिना किसी दिक्कत के। साथ ही में आपको मोटे मोटे टायर्स मिलते हैं तो इन टायर्स को इन्फ्लेट करना काफी मुश्किल होगा, ऐसे भाई पंप थोड़ी कोई करता रहेगा, तो इसलिए आपको टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिलता है सेम जैसे आपको G6x6² में मिलता था जिसमें आपको एक बटन मिलता है जिसको अगर आप दबाएंगे तो टायर्स में हवा बढ़ जाएगी, अगर आप दबाएंगे तो हवा कम भी हो जाएगी, जिससे अगर आपको इस गाड़ी को ड्यून्स पे लेके जाना है तो हवा कम कर लो, अगर आपको हाई स्पीड पे इस गाड़ी को चलाना है तो हवा बढ़ा लो, बढ़िया हर एक सिचुएशन के लिए ये गाड़ी एकदम बढ़िया काम कर सकती है कारवर्सल की तरह। आपको एग्जॉस्ट क्लेंजिंग सिस्टम मिलता है जिसमें अगर आप इस गाड़ी को एक्सट्रीम कोई वेदर कंडीशन में लेके जाते हैं जिससे इस गाड़ी का एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट चोक हो जाता है और ये गाड़ी चल नहीं रही, तो ऑटोमेटिक इसके एग्जॉस्ट क्लेंजिंग सिस्टम से सारा कुछ बाहर निकल जाएगा और बढ़िया ये गाड़ी कहीं पे भी जा सकती है। पर फिर भी अगर आप देखें, ये गाड़ी कल्याणी M4 से काफी कम अच्छी है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.2 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको 215 हॉर्स पावर मिलती है और अराउंड 500 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि डिसेंट है। पर वही कल्याणी M4 में आपको 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जिसमें 465 हॉर्स पावर आती है और 1500 Nm का टॉर्क आता है। तो कल्याणी M4 में आपको डबल पावर मिलती है और आपको ट्रिपल टॉर्क मिलता है लिटरली। इस गाड़ी में आपको 1000 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, वही कल्याणी M4 में आपको 2300 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल आपको पेलोड कैपेसिटी मिलती है कल्याणी M4 में। इस गाड़ी में आपको सिर्फ 400 किलोमीटर की रेंज मिलती है, कल्याणी M4 में आपको 800 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक सिंगल फ्यूल टैंक में, तो ऑलमोस्ट आपको डबल रेंज मिलती है। और वही कल्याणी M4 में आपको स्टैंडर्ड माइन प्रोटेक्शन मिलती है, इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड माइन प्रोटेक्शन नहीं मिलती, आपको अपग्रेड करना पड़ता है। पर इसके बाद ही दोस्तों इसकी स्पेशलिटी आना शुरू होती है, जिसमें कल्याणी M4 का वजन है 16000 किलो का, 16 टन की वो गाड़ी है। इस गाड़ी का वजन है 2.5 टन का, 2500 किलो का। तो ये गाड़ी हमारे इंडियन सिचुएशंस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बनती है, क्योंकि कल्याणी M4 एक ज्यादा एक्सट्रीम गाड़ी है जो कि एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए बनी हुई है। पर वही दोस्तों हमारे इंडिया में काफी डाइवर्स ट्रेन है, हमारे पास सैंड ड्यून्स भी है, हमारे पास ग्लेशियर्स भी है और हमारे पास नॉर्मल कोस्ट लाइन भी है, जहां पे एक 16 टन की गाड़ी को चलाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए हमारी इंडियन आर्मी को एक ज्यादा भारी गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि एक ज्यादा मल्टी टेरेन वाली गाड़ी चाहिए जो कि हर एक टेरेन में बढ़िया काम कर पाए। ऐसा ना हो भाई बर्फ में फंस गई, ऐसे सैंड ड्यून्स में फंस गई, हमारी मिलिट्री वाले धक्का मारे हैं, पर धक्का मार ही नहीं सकते क्योंकि 16 टन की गाड़ी है। साथ ही में क्योंकि इस गाड़ी का वजन सिर्फ 2.5 टन का है, तो इसलिए इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल है, इसे कहीं पे भी ऐसे एयर कैरियर में डाल के कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वही कल्याणी M4 भाई 16 टन की है, इतना मुश्किल है उसे पहले लोड करना फिर अनलोड करना, इतने में तो भाई हमारा प्लेन ही खराब हो जाए। इतने में तो भाई 5-6 हमारी महिंद्रा अर्माडो आ जाए और कहीं पे भी उसे लेके चल जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। साथ ही में कल्याणी M4 की लेंथ है 5.8 मीटर की, वही इस गाड़ी की लेंथ है 4.4 मीटर की, तो ये गाड़ी लेंथ में काफी छोटी है और कल्याणी M4 की हाइट ऑलमोस्ट 2.5 मीटर की है, इस गाड़ी की हाइट सिर्फ 2 मीटर की है, जिससे गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट भी बनती है, जो कि इंडिया की जो एकदम ऐसे छोटी छोटी सड़कें हैं और जो एकदम ऐसे कंजेस्टेड टेरेन्स है, वहां से इस गाड़ी को काफी आसान होता है निकालना। वही कल्याणी M4 एक ऐसे बहुत ही बड़ी सी गाड़ी है जिसकी वजह से उसे काफी मुश्किल है निकालना और हर एक सिचुएशन के लिए वो गाड़ी एप्ट नहीं है, जिसकी वजह से जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को डेब्यू करा था तो उसके कुछ दिनों बाद ही इसकी टेस्टिंग के हमारे इंडियन आर्मी ने इसके 1300 ऑर्डर्स दे दिए थे, जिसमें एवरेज इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 80 लाख रुपए का है, जो कि कल्याणी M4 से ऑलमोस्ट 1/4 है, वो ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है। तो ये गाड़ी अफोर्डेबल भी है, हल्की भी है, सस्ती भी है, कम फ्यूल खाती है, साथ ही में रिलायबल है क्योंकि महिंद्रा ने खुद ही बनाई है और कभी भी इस गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी इंडिया की लोकली बनी हुई गाड़ी है, तो हमारे खुद के पास इसके पेटेंट्स हैं, हमें किसी भी और कंपनी के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं है या फिर किसी भी और इंटरनेशनल कंट्री के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को देने के लिए। कि भाई मान लो कभी जंग जुंग हो गई, हम कह रहे भाई कल्याणी M4 भेज दो या फिर हमें बनानी भी है तो थोड़े बहुत पार्ट्स भेज दो, वो भाई भेज नहीं रहे उधर, वो अपनी जंग में लगे हुए हैं। तो इसलिए भाई खुद की गाड़ी होना बहुत जरूरी है। और महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग के पास सिर्फ ये गाड़ी नहीं है, काफी सारी और तगड़ी तगड़ी कार्स भी है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमस, जिसमें इस ब्रांड ने एक लैंड क्रूजर LC70 के पिकअप वर्जन को लेके उसमें पूरी गाड़ी को चेंज कर दिया, बुलेट प्रूफ अलॉयज डाल दिया, बुलेट प्रूफ पूरी बॉडी बना दी और इंटीरियर में भी चेंजेस कर दिए और कुछ ज्यादा ही ऐसे कूल लगती है गाड़ी, एकदम गैंगस्टर टाइप। फिर इस ब्रांड ने स्टार्ट ऑन बनाई, जिसमें इस ब्रांड ने एक फोर्ड F550 पिकअप ट्रक लिया एकदम बड़े वाला, उसमें पूरी बॉडी को चेंज करके आगे सामने पीछे मोटी मोटी मेटल शीट डाल दी और पीछे जो पूरा डेक है उसको कवर कर दिया, साथ में 6.7 लीटर का इंजन डाल दिया, जिससे इस गाड़ी में आपको 12 लोगों को बिठाने की कैपेसिटी मिलती है। और इस गाड़ी को ट्रूप को कैरी करने के लिए बनाया गया है ऐसे बढ़िया बढ़िया जगहों में। और इसका एक छोटा वाला वर्जन भी आता है, जिसमें अगर आपको 8 बंदों को बिठाना है वो भी आप बिठा सकते हैं। अगर आपको बड़ा वर्जन लेना है स्टार्ट ऑन प्लस ले लो, छोटा वर्जन लेना है तो स्टार्ट ऑन ले लो। और साथ ही में इस ब्रांड ने रिसेंटली अपनी MPVI को लॉन्च करा है, या फिर माइन प्रोटेक्शन व्हीकल को लॉन्च करा है, जिसमें इस ब्रांड ने एक ऐसे कैरियर टाइप बनाया जिसमें ट्रूप को लेके जा सकती है। और इस वाली गाड़ी में आपको माइन प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब अगर आसपास कोई भी माइन वगैरह बिछा रखी है और फटती भी है तो अंदर के ट्रूप्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक गाड़ी एकदम गैंगस्टर लगती है, ऐसा बहुत ही बड़ा है इसका हुड है सामने, टायर आपको मोटे मोटे मिलते हैं और एक आपको टायर टंगा हुआ भी मिलता है, कुछ ज्यादा कूल गाड़ी है ये। आप बताना भाई किसी और, अगर आपको गाड़ी पे वीडियो देखनी है बढ़िया बना दूंगा। और बाकी हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया जहाँ पे बढ़िया बढ़िया भैया से वीडियो वगैरह बनाता हूँ और सॉरी आपको वीडियोस का अपडेट देता हूँ पहले, तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मजे आएंगे आप।